हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। गाइस, पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ द नंबर लाइंस एंड टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने नंबर्स पढ़े, रेशनल नंबर्स पढ़े, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स। एंड उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया दैट हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 9.3 इन द नंबर लाइन सिस्टम। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे कि 0.333 विच इज द टाइप ऑफ द रिपीटिंग नंबर एंड लाइक 1.2727 एंड सो ऑन। सो हाउ वी कैन सो और वी कैन एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे हम लोग 0.3333। ओके, वेयर द थ्री इज रिपीटिंग। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि 0.333 को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर द रेशनल नंबर कैन बी शोन बाय द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू। ओके, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू द जीरो। ओके, तो सबसे पहले 0.333 को रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ रेशनल नंबर हमें क्या करना होगा कि हम इसको लिख सकते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार। ओके फ्रेंड्स, जो ये वाला साइन है इसको बोलते हैं बार। और इसको हम 3 के ऊपर क्यों लगाए, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, अब जो ट्रिक है उसको कैसे फॉलो करना है, अब ध्यान से देखिएगा कि ये बार जितने नंबर के ऊपर और हम कह सकें कि जितने डिजिट्स के ऊपर लगा होता है उतने ही नंबर से हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है पूरे इक्वेशन को। तो यहाँ पे सिंपली हम देख सकते हैं कि सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से। ओके, सो बाई टेन। ओके, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10x = 10। ओके, देन मल्टीप्लाई बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं वापस अगेन 0.3333 एंड सो ऑन। ओके फ्रेंड्स, तो 10 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आप देख पा रहे होंगे इसको हम लिख सकते हैं 3.333 एंड सो ऑन। ओके, देन अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस में। गाइस, इसको 3 प्लस के फॉर्म में इसलिए लिखना चाह रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू लेके आनी है जो हमने x की अज्यूम की थी। तो यहाँ 0.3 बार बार और हम जो कह सकते हैं 0.333 एंड सो ऑन, तो उसको इस फॉर्म में लेके आनी है। तो 3 प्लस में 0.3333 एंड सो ऑन। ओके गाइस, अब क्या करना है आपको कि इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इसको आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आपको सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, ऐसा करने पे आप पाएंगे 10x माइनस x, 10x में से x को मल्टीप्लाई करना है। और सिंपली LHS साइड में आप देखेंगे हमारे पास क्या है, 3.333। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से और कह सकते हैं ये 3 प्लस में दिस वन एंड दिस वन, इसको अपन माइनस करेंगे तो 3 प्लस में 0.3333 एंड सो ऑन माइनस 0.333 एंड सो ऑन। ओके फ्रेंड्स, माइनस करने से क्या होगा, ये वाली टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है एंड सेम टर्म्स है तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू 3, देन x इक्वल्स टू 3 अपॉन 9, वेयर आफ्टर कैंसिलिंग आउट दिस बिकम्स 1/3। ओके, सो गाइस आपने ध्यान से देखा होगा कि हमने x को जो कि हमारे पास 0.333 विच वॉज द रिपीटिंग टाइप ऑफ द नंबर, नाउ वी कैन परफॉर्म और वी कैन एक्सप्रेस दिस नंबर इन द रेशनल नंबर्स विच इज इक्वल टू द 1/3। ओके गाइस, सिंपली अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.27 एंड 27 को। तो गाइस 1.27 एंड 27 को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि x अज्यूम करना है 1.27 के ऊपर बार। ओके, क्योंकि हमारे पास 27 है वह रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, और आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे 27 जो बार है वो कितने डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है, 2 डिजिट्स के ऊपर। ओके, तो आपको सिंपली जो आप नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी न्यू इक्वेशन, 100x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई 1.27 एंड सो ऑन। ओके फ्रेंड्स,
तो इस प्रकार से आप किसी भी जो रिपीटिंग टाइप ऑफ दी और हम लोग कह सकते हैं कि रिकरिंग टाइप ऑफ दी जो नंबर्स होते हैं उनको रेशनल नंबर्स में सो और एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।